नूह में हुई हिंसा पर हमसे बातचीत करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज अहमद फारूकी साहब हैं। कैसे देख रहे हैं घटना को? यात्रा निकाली जाती है, उस पर एक समुदाय हमला कर देता है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है पहले से हमारी इस बारे में बहुत चिंता है कि मुल्क में ऐसे हालात हो रहे हैं कि इसमें कुछ लोगों को मायूस करने, डराने और उभारने और धमकाने की कोशिश हो रही है जी। और एक सीरीज़ है, इक्का दुक्का वाक्या अलग अलग होता है तो फिर, बल्कि पूरे मुल्क में कुछ लोग जो है साजिश करके और इस तरह के वाक़ात कर रहे हैं जिससे किसी न किसी तरीके से भड़काया जाए, ये उसी का सिलसिला हम समझते हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो पुलिस का जो इसमें रवैया होता है, तो पुलिस के दोनों ही काम होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव एक्शन और अगर कोई चीज़ हो जाए तो फिर इसको रोकने के लिए क्या करना। तो यहाँ पे इस नूह के वाक़े को देखेंगे तो चिंता की बात यह है कि एक दिन पहले, नहीं कि अचानक हो गया हमको मालूम नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले एक वीडियो सामने आता है उसमें बाकायदा धमकी दी जाती है, एक ऐसा शख्स जो कि भगोड़ा है, मुजरिम है, उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा है, बहुत पूरे मुल्क में उसे जाना पहचाना जाता है इस हैसियत से, वो ऐलान करता है कि मैं इसमें ज़रूर रहूँगा और इसमें जो उसका बयान है सभी लोग जानते हैं, तो और उसको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती, तो जाहिर है एक भीड़ को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा काम यह है, हम जैसी संस्थाओं का, कि हालात कुछ भी हो हम तो सबसे पहले अमन की अपील करेंगे, लोगों को शांति बनाने की सबसे पहले ज़रूरत है, और दोनों समुदाय के लोगों को जो समझदार हैं वो मिल बैठ करके और इसका कोई हल निकालना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये काम आज नहीं कल होगा। बैठ के चल रही अमन के लिए, आपने कहा शांति के लिए, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं फारूकी साहब की, पहले से धमकी दी जा रही थी, आपको लगता है कि इस घटना के पीछे बाकायदा साजिश थी यात्रा को भड़काने की, यात्रा में से जुड़े लोगों को भड़काने की पहले से साजिश थी, या दूसरे समुदाय के लोगों का भी कुछ उधर से भी साजिश किया गया? देखिए, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई फसाद एक तरफा हो ही नहीं सकता जी। जब दोनों तरफ से भिड़ेंगे लोग तभी लड़ाई होगी जी। लेकिन इसमें देखना यह है कि पहल किसकी है और क्यों, कौन एग्रेसिव है जी। तो यात्रा निकलती है तो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक मकामी यात्रा होती है जो रिलीजियस जिसका कैरेक्टर होता है जिस यात्रा का, एक वो यात्रा होती है जो पॉलिटिकल होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन लोगों को पूरे मुल्क से इकट्ठा करते हैं, एक वो यात्रा होती है जो कि रिलीजियस इसका कैरेक्टर होता है, किसी मंदिर की पूजा है, किसी जो है त्यौहार का, तो लोकल लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। इस यात्रा में देखिए ना कि कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है, हमें इस बात की वो है दुख। तो ये नहीं कि मकामी लोग अगर आपस में लड़ते हैं तब एक दूसरा इशू होता है, यहाँ तो बाकायदा बाहर से लोग आते हैं, आकर हमला करते हैं, फिर उसके मुकाबले में मकामी लोग खड़े होकर के उसका वो करते हैं। जो बाहर से आने वाला है वो एग्रेसिव होगा या जो मकामी है वो एग्रेसिव होगा, सोचने की बात है। तो आपका कहना है कि जो यात्रा थी VHP की उसमें बाहर से लोगों को बुलाया गया? मोनू मानेसर कहाँ का था जी? कोई नो का तो है नहीं मोनू मानेसर का रहने वाला, वो तो राजस्थान से आया है जी। तो ये कहना हमें इसमें सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकायदा जो कई सौ आदमी जो है बाहर से आए हैं और उन्होंने एक चैलेंज करके, धमकी देकर, एक हमले की शक्ल में, एक यात्रा होती है रिलीजियस यात्रा होती है, उसमें ये कहा जाता है कि हम जो है उस जलसे में रहेंगे और हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे वो, तो वो तो इसका पूरा जो नैरेटिव है और इसका जो पूरा स्टाइल है उसमें हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सारा देश देख रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं, आपने भी रिपोर्ट मंगाई होगी, आपके लोग भी वहाँ होंगे, क्या एक तरफ से तो धमकी दी गई जो आप कह रहे हैं, साजिश का आरोप लगा रहे हैं, क्या दूसरे तरफ से भी लोगों को बुलाया गया था तैयारी में, ऐसा कुछ रिपोर्ट आप तक आया है? मुझे ये इसकी जानकारी नहीं है और मुझे उस जगह पर मत खड़ा करिए जी। जी, हम उस संस्था से ताल्लुक रखते हैं जिसमें हिंदू मरता है तो भी हमारा दिल उतना ही दुखता है, मुसलमान मरता है तो हम मुसलमान के लिए भी हमारा उतना ही दिल दुखता है, हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ते, हम देश की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लिए दोनों ही हमारी आँखें हैं, दोनों ही हमारे बाजू हैं, हम तो ये मारा जाता है तो भी हमारी तकलीफ है, वो भी मारा जाता है तो
हमको उस जगह पे मत खड़ा करिए कि हम एक फिरके के खिलाफ हम लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे और अपनी आवाज़ जहाँ पे उठ सकती है हम वहाँ पे उठाएंगे और हम ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम देश की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपका ये आरोप भी है और ये फाइंडिंग भी है कि वहाँ प्रशासन से चूक हुई है भारी। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि जब इस तरह के वीडियो आए हैं और उसमें ऐसा ऐलान किया जा रहा है तो प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों की जान माल की हिफाजत करना। आखिर प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं नहीं हर वाक्य से पहले, इस इलाके के जितने जो लोग ऐसे होते हैं जिनका संदिग्ध, जिनके बारे में शुभा होता है, उनके करेक्टर के बारे में, जिनके बारे में ऐलान होता है कि ये इस तरह के लोग हैं, उनको पहले ही से एक दिन पहले पकड़ करके रोक बिठा लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता, इसमें क्या किया उन्होंने, सवाल है ना। तो इसलिए इसमें ये सवाल सिर्फ मेरी तरफ से नहीं होगा बल्कि उस हिंदू समुदाय की तरफ से भी होगा जिसके बहुत सारे लोगों को इसका असर पड़ा है उनके ऊपर। हमें ये भी नहीं देखना है कि यह इधर ज़्यादा मेरे या उधर, 5 चैनल जा चुकी हैं अब इतने सारे 12, उसमें पुलिस वाले भी कितने ज़ख्मी हुए, हमारे पुलिस वाले क्या हमारे बच्चे नहीं हैं क्या, वो तो उनके बारे में भी हमारा इतना दिल दुखता है तो हम उनके दुश्मन नहीं हैं। तो हमें तो इसको कानून और व्यवस्था की जानी से, अगर जिम्मेदार कोई है तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, अगर जिम्मेदार है कोई वहाँ पर तो वहाँ का SP है, वहाँ का SSP है, वहाँ के जो पुलिस के जिम्मेदार हैं IG DIG, अब जाके खड़े होकर बयान देने से क्या फ़ायदा है। उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि अपने लोगों तो कम से कम बचाएं वो। तो प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, पुलिस के लोग जिम्मेदार हैं और नूह में जो हिंसा हुई है, जो घटना घटी है उसके पीछे साजिश मानते हो, जिस तरह से प्रोवोक किया गया, बाहर के लोग आए और इसीलिए ये हिंसा घटी है। कैमरा पर्सन युगल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।